आदमी होना मुश्किल है, उसी तरह औरत होना और मुश्किल है। बीच दौरान मेरे अगर किसी से बात हुई तो एक लड़की थी जो कहती थी कि वो मुझे पाना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले हमेशा उसे कहते थे कि तुम पढ़ नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती। उसे तानाशाही करते थे, कसूरवार ठहराते थे, और जब वो अपने ख्वाब आके रखती थी तो कहते थे कि तुम पहले ही क्यों नहीं मर गई, तुम्हारा पहले ही क्यों ना गला घोट दिया गया। कैसे लोग हैं ये, किस तरह जुल्म करते हैं जब कोई ख्वाब के पीछे भागता है। लेकिन फिर भी दुनिया से जंग लड़कर जब आप अपनी जंग जीत लेते हैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं होता, क्योंकि चार लोगों को चार दिन चाहिए होते बोलने के लिए। लेकिन एक बात मुझे सताने लगी कि जब भी अगर कोई लड़की अपने ख्वाबों का कहती है तो वो क्यों कसूरवार ठहरा दी जाती है कि तुम अपने बाप की वफादार नहीं, अपनी माँ की वफादार नहीं, तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तुम्हें ये पूरा करना है, तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, तुम्हें ये कर देना चाहिए था, क्यों पैदा हो गई तुम, मनुष्य हो, ये सब सुनना पड़ता है एक लड़की को। औरत होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सब कुछ सहकर खामोशी से रहना। वो औरतें कुछ और रहती हैं जो अपने मतलब से किसी को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो औरत और लड़की सबसे ज़्यादा सच्चे दिल की होती है जो बस इस बाजारी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, जहाँ बस वो लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रही है अपने मतलब के लिए, लोगों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल हो रही है वो किससे कहने जाएगी अपना हाल। वो तो बस तनहा मिले तो अपने हाथ को मुंह पर रख कर बस रो सकती है, अपनी आंखों में आते हुए आंसू को छुपा सकती है। कोई पूछे वो कैसी है तो कह सकती है मैं ठीक हूँ, रसोई में जाकर अपने हाथ चला सकती है, खाना बनाते हुए चार बहादुर सुन सकती है, जिससे प्यार करती है उसको वक्त के हाथों खो सकती है, तन्हा रातों में और रो सकती है, तन्हा रातों में वो रो सकती है। औरत होना कितना मुश्किल है।